तो अभी तक हमने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था। एक तो इंडिया कैसी कंट्री थी, बहुत ही यूज कंट्री थी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन इजी अफेयर। मीन्स इतनी बड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप करना और सब लोगों को इक्विलिटी प्रोवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट था। ऊपर से एक क्या इंसिडेंट हुआ, इंडिया जब बॉर्न हुआ, मीन्स इंडिया का जब इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया का पार्टीशन भी हुआ साथ में, इंडिया और पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ तब दोनों साइड की बॉर्डर को आप ले लो तो उसमें 10 लाख पीपल क्या हुए, मारे गए। तो इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कैसा हो गया था, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। बट एक बेनिफिट ऐसा था साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट का जो रिवोल्यूशन चल रहा था, मीन्स हमारे जो रिफॉर्मर थे उन लोगों ने पहले बेसिक गाइडलाइन दे दी थी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इतनी चीज क्या करेंगे, हम इन्वॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाथ स्टार्ट हुआ तब देखिए तो 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर उन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया, मीन ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा इंडिपेंडेंट के बाद। और उसी टाइम 1931 में कराची जो सेशन हेल्ड हुआ उसमें भी इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक, मीन्स इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो एक बेसिक आइडिया दे दिया गया था कराची सेशन में। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज इन्वॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स क्या होता है 18 और 18 से अबोव के जो एज वाले हैं वो क्या कर सके, वोटिंग राइट मिले और वोट दे सके। इसी वजह से दूसरा राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी, वैसे बेसिक टॉपिक ऑलरेडी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से इन्वॉल्व हुए थे 1928 से लेकर 1931। और 1937 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इलेक्शन करवाए, बट इलेक्शन में वोटिंग राइट कोई सिलेक्टेड मैन है उन लोगों को ही दी गई। इसी वजह से जो नई प्रोविजनल लेजिस्लेटर और मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया जो बने वो मोस्टली ब्रिटिशर के पपेट थे। और उसी टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। इसके थ्रू ब्रिटिशर ने कहा आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे बट हम आपको मेंबर प्रोवाइड करेंगे, वही मेंबर आपको जो सजेस्ट करेंगे वैसे ही आपको क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हुआ तब हमने बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसमें से जिस कंट्री के जिस टॉपिक हमें अच्छे लगे उस टॉपिक को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। जैसे कि ब्रिटेन है तो वहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया गया है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना वो पूरी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है। यूएस है तो वहां पर बिल ऑफ राइट जो हम लॉ पास करते हैं तो बिल ऑफ राइट है वो कहां से, यूएस में। रशिया में से सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्विलिटी, वैसे ही जर्मनी में से इमरजेंसी, वैसे बहुत सारी कंट्री में से अलग अलग टॉपिक को क्या किया हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्ट बनाया। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था। अब जब हमें इंडिपेंडेंट मिलने वाला था तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। अब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट वो जो असेंबली थी वो स्टार्ट कब हुई,
जुलाई 1946 को उसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो मीटिंग हेल्ड हुई दिसंबर 1946 और प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात याद रखो कि भाई जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हुई तब इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो पार्टीशन नहीं हुए थे, तब टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे, 289 मेंबर थे। बट आफ्टर पार्टीशन होने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के जो मेंबर है वो सेपरेट हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में से 90 मेंबर पाकिस्तान चले गए और बाकी बचे कितने, 299 जो मेंबर है उन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, पार्ट अदा किया, 299 मेंबर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बनने के लिए कितने डेज लगे और कितने ईयर लगे, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 3 ईयर लगे और टोटल जो डेलीग्रेशन आए उन लोगों ने जो मीटिंग की, जो डिस्कशन की, वो कितनी टाइम की, 3 ईयर में 114 डेज। कितने, 114 डेज तक डेलीग्रेशन किया, मिस डिस्कशन की और जितनी भी डिबेट हुई और जितनी भी आर्ग्यूमेंट हुई वो सबको रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। डिबेट में जितनी बातचीत हुई, किसने कौन सा लो बोला, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है अभी। और वो कितने वॉल्यूम में रिकॉर्डेड है, टोटल 12 वॉल्यूम में रिकॉर्डेड है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे क्या हुए, अमेंडमेंट हुए, ऑलमोस्ट 2000, कितने, 2000 अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंजेस इन लॉ, तो बहुत सारे जो लॉ बने उसमें चेंजेस करना पड़ा, तो इसकी वजह से एक कमिटी बनी और कमिटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमिटी। और वही जो ड्राफ्टिंग कमिटी एक मेंबर की थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उसके थ्रू कंप्लेंट ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन बना और वही कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया असेंबली के थ्रू 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। बट उसको हमारे जो कंट्री में एफेक्ट मींस उसको अलाउ आउट किया 26 जनवरी 1950 को। क्यों, बिकॉज ऑफ 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बिकॉज ऑफ तब इंडिया में 1930 को पहली बार इंडिया के जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हेल्ड हुआ उसमें इंडिपेंडेंट की बात की गई, वो भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट की बात हुई। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट भी कौन सी रखी गई, 26 जनवरी रखी गई। और उस डेट को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक डे की तरह क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। एक पूरी डिटेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको एग्जाम में आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आप डिस्कस करें, तो ये सब चीज आपको क्या करनी है, लिखनी है और कम्प्लीटली डिटेल में बतानी है। और ये तो बात हुई 299 मेंबर, बट उसमें बहुत सारे रीजन थे हमारे, इसमें दो वुमन मेंबर भी थे, सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित भी थे, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।